हरिद्वार के कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु संतों के दर्शन करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार मौजूद है जो बंगाल से आया है, और सबसे खास बात यह है कि ये कई कुंभ देख चुके हैं। मैं इन्हीं से जानूंगा कि आखिरकार इस कुंभ का एक्सपीरियंस ये कैसा लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू मित्र। मित्र, ये बताएं कि कितने लोग आए हैं आप और कब आए थे? 40 से 50 आदमी आया थे। एक टेंट लगाया है, मेरा वहाँ गुरुद्वार है वहाँ पर। अच्छा। जो नील धारा में हेलीपैड के पास में उसे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर आया था। और पिछले साल अगले कुंभ में मैं गया था इलाहाबाद पर, तो वहाँ का परिसेवा बहुत बढ़िया था, इसलिए। और इसका कम है पर ठीक है, बहुत कम है। बहुत कम है। आया था स्वामी जानकी दास 108 काठिया बाबा आश्रम है। ये तो ये प्रयागराज है ना, ये बहुत बढ़िया है। प्रयागराज का ठीक व्यवस्था, ठीक व्यवस्था है। आखिरकार क्या और होना चाहिए था आपके हिसाब से, क्या कुछ होना चाहिए? सब ठीक है, लेकिन यहाँ का आदमी बहुत कम आया इस साल में, कोरोना का वायरस का वजह से। आदमी बहुत टिकट कैंसिल भी हुआ हम लोगों का, जो बहुत टिकट कैंसिल भी करा दिया। हाँ, तो 40 आदमी हम लोग इधर आया हुआ है। जी यहाँ का प्रचार प्रसार गलत हुआ है, उस प्रचार से गलत मैसेज गया है। उस मैसेज से पब्लिक भ्रमित हो गई। किस तरह का प्रचार, मतलब आप क्या कहना? यूट्यूब वगैरह इसमें आप सब बता रहे हैं कि गाड़ी ट्रेन पिछले स्टेशन पर उतर जाएंगे, और ज्यादा है कोरोना का ज्यादा दबाव है, घुसने नहीं देते हैं, इस तरह से भ्रमित किया पब्लिक को। नेगेटिव रिपोर्ट तो लानी पड़ रही है ना? वो तो पड़ रही है, लेकिन हम राजस्थान से आए, करौली से, डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ भी हमको मतलब भ्रमित किया गया। हमारे करीब 200 आदमी रह गए उसी वजह से, डर की वजह से, कोरोना की। तो कुछ लोग प्रचार प्रसार भी ऐसा लग रहा है आपको कुंभ क्षेत्र में घूमने? कुंभ क्षेत्र में लग रहा है, लेकिन कोई वो नहीं है, मजे वाली बात नहीं है। कैसे मजे वाली, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मजे वाली है, पब्लिक भीड़ ज्यादा होती है यहाँ पे, अच्छा देखने को होता, वो ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कंट्रोल इतना है पुलिस का, जगह जगह गाड़ियाँ रोक रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं इधर उधर। अभी रास्ते दोपहर बंद कर दिया, ये हैरेसमेंट कर रहे हैं जगह जगह से। इस तरह प्रशासन का कोई विशेष योगदान नहीं है। बाबा ये बताओ, आपने तो पहले भी कुंभ देखे होंगे? हाँ, पहले देखा महाराज, उज्जैन देखा हुआ है, उज्जैन देखा हुआ है। अच्छा हुआ, वहाँ तो बहुत अच्छा वो रिया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुंभ की वजह से व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम हो, या ऐसा भी सरकार कह रही है कि भाई सीमित रखना है थोड़ा सा? हाँ, ये सीमित की वजह से बात है महाराज, वो बात ये बात है। 1-1 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है बंगाल के अंदर, ये कुंभ की कहाँ गई इनकी? बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ तो नहीं है। अब यहाँ कुंभ की, जबकि ये इंडिया की फेमस जगह है, यहाँ का जो नाम है इसका, हरिद्वार, हरि का द्वार है, दूसरा तीर्थ नहीं है उसके, मतलब इसको इतना कमजोर कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज की 4 दिन हो गए, 12 साल में आता है, बताओ। जो पूरे देश का मतलब माना हुआ है त्योहार, ये हरिद्वार या माँ भोले शंकर का, या दक्ष जो पार्वती जी थी उन्होंने मतलब यहाँ पे यज्ञ हुआ था उनका, नीलकंठ महादेव जब मतलब जिस तरह से देवताओं ने मंथन किया था, तो ऐसी जगह है। कहाँ से आए हो आप? कानपुर से। यहाँ 4 दिन से आप आए, रास्ते में रोक लेते हैं, कहते करोना है, बड़े मसूम में आप आए यहाँ। 4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन ये तो सब आपके लोगों की भलाई के लिए तो कर रही है सरकार। कर तो रही सरकारी, अगर रास्ते में आ गए, जाम लग गया तो उसको सुविधा तो दी जाए, पानी है, कुछ खाना है, कुछ ही नहीं, पड़े मतलब खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था जरूरत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जी माता जी बताए, आप कुछ कह रहे थे? ये चार कुंभों कर चुका है, ये 10 साल पहले ये 6 बार आ चुका है इसमें। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? ये सब बढ़िया नहीं है, अगला 6 कुंभ करो अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया नहीं है, कोनो सुजोग सुविधा नहीं है। तो ये बंगाल से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, और अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु हरिद्वार में कुंभ के दौरान आए हैं उनके अलग अलग राय हैं। कोई ये कह रहा है कि आखिरकार ये जो बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं, जो रोक टोक जो लगाई गई है, आखिरकार कुंभ में क्यों है, बंगाल के चुनावों में ये रोक टोक क्यों नहीं है। और कुछ ये श्रद्धालु ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं का अभाव है, तो कुछ का कहना है कि सरकार जो कर रही है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही कर रही है। कैमरामैन विशु के साथ किरणकांत शर्मा, ETV भारत, हरिद्वार।